हेलो गाइस, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अपनी स्टार्टिंग में दोस्तों जो नेम आर्ट वीडियो देखा दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का नेम आर्ट वीडियो दोस्तों अपने टिकटॉक के लिए दोस्तों या स्टेटस वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप 2 मिनट में इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है या इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो फाइन, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह जो वीडियो है डेली अपलोड करता रहता हूँ, जिससे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसा आपको बता दूं, सिंपली इस तरह का वीडियो बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको काइन मास्टर की जरूरत होगी। तो गाइस, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो गाइस मैं आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो वीडियो का रेशियो है 16:9 सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, उसके बाद आपको क्या है ना, यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो की जरूरत होगी दोस्तों, यहाँ पे कलर वाला वीडियो की जरूरत होगी। तो गाइस, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेने के लिए दोस्तों आपको है ना, सिंपली दोस्तों जो भी वीडियो आप देख रहे हैं गाइस, उसके टाइटल पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो गाइस आपको यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों आपको वहाँ पे फोटो का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस, उसके बाद आपको वहाँ पे काइन मास्टर डाउनलोड करना है तो दोस्तों काइन मास्टर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस, अब आपको कहना है सिंपली दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों आपको एक बार प्ले करके दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो बैकग्राउंड वीडियो आपको किस प्रकार मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड वीडियो इस प्रकार मिल जाएगा, अगर मैं प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपली आपको जो कलर वाला वीडियो इस प्रकार मिल जाता है दोस्तों, आपको डाउनलोड कर लेना है, 2-3 MB में आपको मिल जाएगा। एंड अब गाइस, आपको क्या है ना, सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे लाइन वाला फोटो लगा लेना है। तो उसमें जैसा कि आपको बताया था, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए क्या कहना है, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको वाला फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं करता हूँ दोस्तों, उस फोटो को यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है ना, जैसे कि आपको पता है सिंपली, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, आपको यहाँ पे है ना सेट कर देना है। एंड सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है भाई, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको है ना नीचे जाना है। एंड नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का। तो गाइस, आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने फोटो को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीन पर रख देना है, ठीक है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सिंपली आपको जो फोटो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे जितने सेकंड का वीडियो बनाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो को अपने बढ़ा लेना है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट तक कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिखना है। तो भाई, नाम लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। एंड टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी दोस्तों आपका नाम वगैरह या जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं तो फाइनली दोस्तों आप उस नाम को यहाँ पे क्या करना है, राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों कोई भी नाम, अपना भी नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एंड बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो फॉन्ट है दोस्तों, जो आपने जो टेस्ट लिखा है इसका फॉन्ट चेंज कर देना है। तो गाइस, फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट अच्छा लगे तो सिंपली आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले से फॉन्ट डाउनलोड कर रखा है, तो गाइस यहाँ पे मैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाता हूँ एंड यहाँ पे दोस्तों ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं बता दूँ, सिंपली अगर आप भी फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे गेट मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं करता हूँ ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद तो आपको कहना है सिंपली दोस्तों, यहाँ पे नीचे जाना है। एंड नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला फिर से ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ पे दोस्तों अपने जो नाम को दोस्तों यहाँ पे ओवरले पे रख देना है। तो गाइस, मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपका अगर जो नेम है दोस्तों यहाँ पे पूरा लास्ट तक कर देना है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, सिंपली लास्ट तक कर देना है। एंड गाइस, अब आपका नाम दोस्तों, जो आपका नाम वाला वीडियो बिल्कुल बन चुका है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाना चाहता हूँ, सिंपली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सिंपली इसमें दोस्तों आपका जो सॉन्ग है पहले से लगा रहेगा। अगर दोस्तों आप दूसरा सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो फाइनली दोस्तों इस साउंड को बंद करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बंद करने के लिए क्या करना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साउंड वाला ऑप्शन पर जाना है। एंड साउंड वाला ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे साउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। तो गाइस, जैसे आप साउंड ऑफ करते हैं, यहाँ पे जो भी नया साउंड लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ऑडियो पर क्लिक करके साउंड को ले सकते हैं। तो गाइस, अब आपको कहना है सिंपली, आपको जो नेम आर्ट वीडियो बिल्कुल बन चुका है, बट गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लाइट लगाना है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों स्टार लाइट लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड मीडिया वाला ऑप्शन पे जाने के दोस्तों आपको क्या करना है, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, आपको इस वीडियो का भी लिंक डिफिनेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, जैसा हम यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सिंपली। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, बड़ा करने के बाद आपको फिर से नीचे जाना है। एंड नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फिर से ब्लेंडिंग का। तो गाइस, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर रख देना है। तो गाइस, अब आपका वीडियो बिल्कुल 100% बन चुका है, मैं आपको यहाँ पे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो गाइस जैसा कि आप सिंपली देख सकते हैं आपका नेम वाला वीडियो बिल्कुल बन चुका है। बट गाइस आप इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको है ना सिंपली यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी क्वालिटी में अच्छा लगे सिंपली यहाँ पे क्या करना है एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों एक्सपोर्ट करने से आपका जो वीडियो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड फाइनली दोस्तों इस तरह का वीडियो देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं और भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद एंड गुड बाय।